पोकेमोन वर्ल्ड की बहुत सारी मिस्ट्रीज है, जैसे कि एस का पिकाचू उसकी बात क्यों नहीं मानता है, पोकेबॉल के अंदर क्या है, जीएस बॉल का क्या हुआ, एस के फादर का क्या हुआ, एस के जब वापस कब आएगा, बहुत सारी मिस्ट्रीज है। लेकिन एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि 25 सालों से चली आ रही है, वो पोकेमोन एनिमे सीरीज की मिस्ट्री भी है, गेम की भी है, मांगा की भी है। यस यू आर राइट। और वो है आखिरकार हम 6 पोकेमोन का ही यूज़ क्यों करते हैं? हम यार 5 पोकेमोन का, 4 पोकेमोन का, 3 पोकेमोन का, 10 पोकेमोन का कोई भी नंबर ले सकते थे, 6 पोकेमोन का नंबर ही क्यों लिया? जानते हो इसका आंसर हमको मिल चुका है ऑफिशियली फाइनली 25 सालों के बाद, यानी कि पोकेमोन होराइजन्स के एपिसोड 12 के अंदर हमको दिखाया गया। लिक्को एंड रॉय को एक बुक मिलती है जिसमें एक हीरो की कहानी होती है जिसने पूरी दुनिया को बचाया 6 पोकेमोन के साथ में, और 6 पोकेमोन थे 6 डिफरेंट रीजन के। एंड हाँ, इसी को सम्मान देने के लिए पोकेमोन वर्ल्ड में धीरे धीरे लोग जो है 6 पोकेमोन का यूज करने लग गए। लेकिन वो 6 पोकेमोन कौन से थे जो कि वो हीरो ने यूज किए दुनिया को बचाने के लिए, मैं बताता है तुम्हें। उसमें से पहला पोकेमोन तो बहुत ऑब्वियस है और वो है शाइनी रेक्वाजा, जिसको हमने रोई के पास देखा हुआ है, जिसके पास वो एक स्पेशल पोकेबॉल है। और हाँ, 6 पोकेमोन के पास वो स्पेशल पोकेबॉल है। अब तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि सेकंड पोकेमोन कौन है। यस वो है एल्बोलिया फ्रॉम पालदिया रीजन। यस ये पोकेमोन, इसके पास भी वो पोकेबॉल थी। एंड अब बचे हैं 4 पोकेमोन, वो कौन है वो मिस्ट्री है। तो यार जहां तक मुझे लग रहा है, ब्लू कलर का जो पोकेमोन है वो यार लेप्रस हो सकता है। ये वाटर टाइप पोकेमोन है, ब्लू कलर से इसको डिनोट किया जा रहा है, ये बात तो कंफर्म है तो है। और ये लेप्रस जैसा लग रहा है, मोस्ट प्रोबेबली 99% श्योर हूँ कि ये लेप्रस है, बट 1% मुझे लग रहा है कि ये गैस्ट्रोडोन भी हो सकता है। देन दोस्तों यार ये फ्लाइंग टाइप जो पोकेमोन है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यार कोई भी रीजनल बर्ड पोकेमोन हो सकता है, यानी कि 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेरे दिमाग में नाम आ रहे हैं। पहला होने वाला है स्टारेप्टर एंड दूसरा होने वाला है यस क्रोविनाइट। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, स्टारेप्टर के ज़्यादा चांस है 90%। देन यार ये जो पोकेमोन है, ये डॉग टाइप का क्रिएचर, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आर्कनाइन होना चाहिए, बिकॉज यार आर्कनाइन को पहले के ज़माने में लेजेंडरी माना जाता था। तो यार 6 पोकेमोन यूज़ क्यों करते हैं, ये मिस्ट्री से सॉल्व हो जाएगी। बट अगर इसके पास ये पोकेमोन होता है आर्कनाइन, तो ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी कि लोग इसको लेजेंडरी क्यों मानते हैं। बिकॉज लोगों को लगा होगा कि यार उस हीरो ने इसका यूज़ किया है तो ये लेजेंडरी होगा, दैट्स वाई बहुत सारे लोग इसको आज भी लेजेंडरी मानते हैं। बट हाँ, अगर ये होता है तो यार 2 पोकेमोन कैंटो रीजन के हो जाएंगे, जो कि यार एक कॉन्फ्लिक्ट वाली बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे आर्कनाइन ये लग रहा है, देखते हैं अब क्या होगा। और बचा है ये पोकेमोन, अब ये कौन सा पोकेमोन है मुझे नहीं पता सीरियसली, अब तुम गेस करो कि कौन सा पोकेमोन है। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।